प्याप्यायन्तो ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वा सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यम् मां ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। छांदोग्य उपनिषद के द्वितीय अध्याय कौन सा खंड चल रहा था कल? नौवा खंड। हाँ जी, नौवा पूरा नहीं हुआ ना, चार मंत्र हो गया। अच्छा ठीक है। आदित्य, आदित्य का जो विभाग करके उसके दृष्टि से हिंकार आदि में उपासना। जो संगम बेला में जो आदित्य का रूप है ना, तो जो है उसमें कौन आश्रित कह दिया? पक्षिया। और उसके आदित्य का जो अवयव है उसके दृष्टि से कहाँ पर उपासना बताया? आदि में, स आदि। तो साम का अवयव आदि में यही आदित्य की दृष्टि से उपासना। पंचम देखो, कूतगीथा में, अथ यत् सम्प्रति मध्यन्दिने स उद्गीथास तदस्य देवा अन्वायत्तास तस्माते सत्तमः प्रजापत्यानां उद्गीत भाजिनो हेतस्य साम्नः। सर्वत्र अथ शब्द का अर्थ क्या है? अनंतर। संप्रति मंद्यन दिने संप्रति, आदित्य का जो रूप है मध्यान्ह काल में होता है, और वहां पर क्या है? सरल सरल, वहां पर रश्मि उसमें सीधी पड़ती है, मध्यान दिन काल सीधी जो है माथे पर पड़ती है, उसमें कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। तो ऐसा जो रिजु रूप है आदित्य का मध्यान्ह काल में, उसके दृष्टि से कहाँ पर उपासना करनी है? उद्गीत, उद्गीत में करनी है, ठीक है। और आदित्य का जो रूप है यह
उसमें देवता लोग जो है आश्रित है, देवता लोग। तो क्यों है? क्योंकि इसलिए जो है उसका आश्रय लेते हैं, इसलिए क्या हो गए सत्तमा, हाँ वो विशिष्ट हो गए ना, विशिष्ट हो गए। अतिशयना सत, अतिशयना सत इति सत्तमा, तो सबसे ज्यादा विशिष्ट हो गए, है ना। प्रजापति के संतानों में देवता लोग विशिष्ट है, सात्विक है ना, सत्य गुण वाले है। सत्य गुण वाले जो तो है, लेकिन उन लोगों को जल्दी ज्ञान नहीं होता है, वैराग्य नहीं होता है ना उनको। इतना भोग मिलता है, पुण्य का बल है उनके पास, है ना। इसलिए जो पुण्य कमा कर गए, सकाम बुद्धि से गए, इसलिए उनको ज्यादा भोग होता है। जिस व्यक्ति को ज्यादा भोग मिलेगा ना, उनको वैराग्य होने में थोड़ा विलम्ब होता है कि नहीं। इसलिए उसी का जन्म को श्रेष्ठ कहा गया है। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ हो, लेकिन जो है वो विद्वान हुआ हो ब्राह्मण, हाँ, और जो है गरीब हुआ हो, फक्कड़ हुआ हो ब्राह्मण कुल में जन्म हो, ब्राह्मण विद्वान हो, केवल इतना नहीं, वो विद्वान ब्राह्मण क्या हो, फक्कड़ राम हो, समझ में ना। उसके घर में जन्म लेना सबसे श्रेष्ठ माना गया क्योंकि बैराग जल्दी होता है ना उनके घर में, इसलिए कहा मनुष्य को जल्दी हो सकता है, पुरुषार्थ कर सकता है। प्रायापत्यानाम सत्तमा, सत्य गुण को लेकर कहा। उद्गित भाजेना, तो उद्गित भाग स्वरूप हो गए ना आदित्य का रूप, मध्यान्ह काल में उसमें आश्रित होते हैं देवता लोग। थोड़ा भाष्य देख लो। अथ यत संप्रति मध्यान दिना रिजुर, है देखो मध्यान दिना इत्यर्थ, इसी को लेना है। स उद्गित, उनके दृष्टि उद्गीता में करनी है। उद्गीता कौन है? भक्ति है, शाम का भाग है। तदस्य देवा अन्वयत्ता, उद्गीता स्वरूप जो आदित्य का है उसमें देवता लोग अनुगत है, आश्रित होते हैं। ऋजु मध्यंतने यद आदित्यस्य रूपम तदृष्ट्या उद्गीत उपासने, हाँ उद्गीता में उपासना करनी है, उसमें हेतु क्या हो गया? श्रेष्ठम, हेतु हो गया श्रेष्ठ। कैसे? शाम के अवय में श्रेष्ठ हो गया उद्गीत, और आदित्य के रूप में ये जो मध्यान्ह कालीन रूप है ना, वो श्रेष्ठ है। तत्कालीन आदित्य रूपस्य देव उपजीव्यत्वे, मध्यान्ह कालीन जो आदित्य का रूप है ना, वो है आश्रय है, देवताओं का आश्रय है। इसमें हेतु क्या है? देखो द्वेतना अतिशय तत्काल, उस समय जो है ना बहुत जो अतिशय काल होता है, प्रचंड प्रकाश होता है। और देवता लोग भी क्या है? द्वेतनवान है, द्वेतनादि देवा। तथापि तस्य देवे ही उपजीव्यत्वम कथम, देवताओं के द्वारा वो आश्रय है आदित्य का रूप मध्यान्ह कालीन, वो कैसे कैसे आपको निश्चय हुआ? तत्राह तस्मात् सत्तमाः, सत्तमा का अर्थ विशिष्टतमा, अतेश न विशिष्टा वो लोग, है ना, जीवों में सबसे श्रेष्ठ है देवता लोग। प्रजापत्यानाम मतलब क्या है? प्रजापति अवत्यानाम, ये प्रजापतिर अपत्याः, ये प्रजापत्या, देखो प्रजापति के संतानों में देवता लोग जो है श्रेष्ठ है। तो उस वो लोग जो है उद्गित स्वरूप जो आदित्य का मध्यान्ह कालीन रूप है, उसमें भागी होते हैं, आश्रित होते हैं, इसीलिए वो श्रेष्ठ हो गए। अथ यद ऊर्ध्वं मध्यान्दिनात् प्राग्,
अपरान्नाद सप्रतिहार तदस्य गर्भा अन्वायत्ता तस्माते प्रतिहृता नावपद्यन्ते प्रतिहार भाजिनो हेतस्य सामना। इसके अनंतर जो है मध्यान्ह के बाद, मध्यान्ह काल के बाद और अपराह्न काल से क्या है पहले इलिका, तो उसमें जो आदित्य का रूप है, उसमें जो आदित्य का रूप है कौन सा समय होगा भाई? है मध्यान्ह के पश्चात और अपराह्न से पहले, मतलब कौन सा होगा? 3 बजे, 3 बजे होगा ना, है ना, चाय की घंटी, इसमें 3 बजे लगते हैं ना, ऐसा लगा लो। तो ऐसा जो आदित्य के रूप है उसकी दृष्टि करनी है कहाँ पर? प्रतिहार में करनी है। प्रतिहार बोलते हैं इसमें कौन आश्रित होते हैं? देखो नारायण, तदस्य गर्भा अन्वयत्ता, ये जो गर्भ है, माताओं का जो गर्भ है, ये गर्भ इसमें आश्रित होते हैं, है ना। तस्माते प्रतिहिता, उस आदित्य के उस रूप में जो है ना, ये गर्भ आश्रित है, इसलिए ते वो जो गर्भ है प्रतिहिता, मतलब क्या, प्रतिहित होकर के गर्भ रहते हैं, ऊपर खींचे होकर रहता है, नीचे नहीं गिरता है। ये लिखें देखो, प्रतिहिता का अर्थ ही है न अवपद्यन्ते, नीचे नहीं गिरता है। जठराग्नि के अंदर जो खींचे, उस तरफ जो खींचे होकर रहता है ना। प्रतिहार भाजन ही ऐसा सामना, ये शाम का जो भाग है प्रतिहार कहा, आदित्य का जो रूप है क्योंकि इसमें आश्रित है ये। देखो षष्ठ मंत्र का भाष्य, अथ यद ऊर्ध्वं मध्यान्हात, मध्यान्ह काल से बाद है ना, और अपराह्न से पहले, यद रूपम सवितो, जो सविता का आदित्य का रूप है, स प्रतिहार, वो प्रतिहार है। इसमें क्या हेतु है? तद्दृष्ट्या प्रतिहारो उपासने प्रतिशब्द सामान्यम हेतु। ये देखो भाई, अरे कोई ना कोई समानता को लेकर उपासना करनी है ना, उपासना करने वाला लोग ज्यादा बुद्धि नहीं लगाता है, जैसा शास्त्र कह रहा है, गुरु कह रहा है, ऐसी उपासना कर लेते हो। तद्दृष्ट्या, उसकी दृष्टि से, कौन सी दृष्टि से? यही आदित्य का जो रूप है ना, मध्यान्ह काल के बाद अपराह्न से पहले, ऐसा जो आदित्य का रूप होता है उसकी दृष्टि से प्रतिहार, शाम का जो प्रतिहार भाग है उसमें उपासना करनी है। इसमें क्या हेतु है? देखो प्रतिशब्द सामान्यम, देखो प्रतिहार में भी प्रति है और जो प्रतिहृत में भी क्या है, प्रति हो गया है ना, क्योंकि उनमें आश्रित होते हैं ना गर्भ, है ना, इसलिए आदित्य का रूप क्या होगा, प्रतिहृत हो गया, उसमें भी प्रति है, प्रतिहार में भी प्रति है, ऐसा है। तो दोनों में प्रति शब्द आ गया। तदस्य गर्भ अन्नयत्ता बोल दिया, गर्भ उसे आश्रित है। तस्मिन काले सवितुः अस्तम गिरम प्रति हरणात्, है देखो प्रति हरणात् इति प्रतिहार, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। प्रति प्रति हृयन्ते गर्भः,
अनेना इति प्रतिहार, ऐसे हो जाएगा। प्रति उपसर्ग है ह्री, ह्री धातु होता है ना, हरिहरण होता है, उसे घय प्रत्यय करो, करण अर्थ में देखा बन जाएगा, प्रतिहार हो जाएगा। प्रतिहार जिल आदित्य का रूप भी प्रतिहार हो गया, और वो शाम का भाग भी क्या है, प्रत्याहार है यो। तस्मिन काले, उस काल में जो है सविता के, है ना, अस्तम गिरिम प्रतिहरणात्, ये देखो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं ठीक है, कह रहे कि आदित्य भगवान जो है ना उस काल में किधर की ओर खींचे रहते हैं, हाँ ऐसा अर्थ किया। अस्तम गिरिम, अस्तगिरी क्या है, अस्ताचल, अस्ताचल पर्वत की ओर खींचा जाता है, हाँ ऐसा अर्थ किया। अस्ताचल पर्वत की ओर सूर्य खींचा जाता है, इसलिए भी सूर्य को प्रत्याहार कहते हैं, आदित्य को प्रत्याहार कहा है ना। बोल अस्ताचल की ओर से खींचा जा रहा है आदित्य भगवान, इसलिए आदित्य को भी कहते हैं प्रतिहार, ऐसा है। और उसके कारण जो है गर्भ खींचा भी रहता है नीचे नहीं गिरता है, इसलिए आदित्य को कहते हैं प्रतिहार, ऐसा कहा। तो यथोक्तम आदित्य रूपम, ऐसा जो आदित्य का रूप है गर्भे उपजीव्यम, गर्भ के द्वारा हो गया उपजीव्य, उपजीव्य मतलब आश्रय, उपजीव्य का अर्थ आश्रय होता है और उपजीव का अर्थ आश्रित होता है, गर्भ हो गया उपजीव का, समझ में आया, और उपजीव्य कौन हो गया, आदित्य का रूप हो गया, समझ में ना। इसलिए बोलते हैं गर्भ ही, गर्भ के द्वारा है ना आदित्य का रूप क्या होगा, उपजीव्यम, उपजीव्य हो गया मतलब आश्रय हो गया। इसमें क्या गमक है, ज्ञामक वाला ज्ञापक है, गमक का अर्थ ज्ञापक। तो कहते हैं अतस्ते, क्योंकि कार्य उसी पे का दिखाई दे रहा है, अतस्ते ते मतलब गर्भा सवितो हो प्रतिहार भक्ति रूपेण, आदित्य का रूप जो है ना प्रतिहार भक्ति के रूप से है। ऊर्धम प्रतिहृता संत, वो नीचे ये ऊपर की ओर खींचे हुए रहते हैं गर्भ, माताओं का गर्भ ऐसा खींचे हुए रहते हुए न अपपद्यन्ते, नीचे नहीं गिरते हैं, न अपपद्यन्ते का भाष्य है न अधपतन्ति, नीचे नहीं गिरते हैं। तद्वारे सत्यपि, गर्भ पतन द्वार में रहने पर भी नीचे नहीं गिरते हैं, भगवान की कैसी विचित्र सृष्टि है देखो यतः क्योंकि प्रतिहार भाजिनो ही एतस्य सामनो गर्भ, है ना, ये साम रूप जो है आदित्य का प्रतिहार जो है आदित्य रूप, उसमें आश्रित होते हैं, उसके भागी होते हैं गर्भ। टीका देख लो, ऊर्ध्वम योनि ही उपरिष्टात्, जोनी के ऊपर की ओर से जो है कहाँ, जठरम प्रति, जठर की ओर से है खींचे हुए रहते हैं गर्भ। यतो क्योंकि गर्भा पूर्वोक्त विशेषणवंत हो अत इति यावत, ऐसा लगा ना, है पूर्वोक्त विशेषण क्या है, आदित्य के जो प्रतिहार भाग, उस प्रतिहार भाग के सेवन करने वाले है गर्भ, है ना, इसलिए जो है उधर खींचे हुए रहते हैं नीचे नहीं गिरते हैं। तद्वारम क्या है, पतन द्वारम, भाष्य में दिया है तद्वार, तद्वार का तो पतन द्वार माताओं के शरीर का। सप्तम देखो, अथ यद ऊर्ध्वम अपरह्नाद प्राग अस्तमयाद स उपद्रवास तदस्या आरण्या अन्वायत्तास तस्माते पुरुषं दृष्ट्वा कक्षं शभ्रम इत्युपद्रवन्ते
उपद्रवा भाजिनो हेतस्य सामनः। उसके अनंतर अपराह्नात् ऊर्ध्वम्, अपराह्न के बाद, और अस्तमयात् प्राक्, अस्त से पहले, सूर्यास्त से पहले जो आदित्य का रूप रहता है, तो उसके दृष्टि करनी है उपद्रव में। उपद्रव शाम का जो भाग है, और इसके आश्रित ये भी होते हैं, एकादेक तदस्य आरण्य, आरण्य बोलते हैं अरण्य में रहने वाले पशु को, अरण्य भवः इति आरण्यः, आरण्य का शब्द भी होता है, आरण्य का शब्द और आरण्य पर्याय है। अरण्य में रहने वाला जो पशु है वो उसमें आश्रित है, इसलिए क्या होता है, तस्मात् ते पुरुषम दृष्ट्वा, उसमें कोई पुरुष आ रहा है, पुरुष तो हिंस्र होता है ना, सबसे ज्यादा हिंस्र तो पुरुष ही है, मनुष्य ही होता है, और डर जाते हैं वो लोग। डर जाते हैं। पुरुषम दृष्ट्वा, पुरुष को देख करके जो है वो कहाँ देखो, कक्षम है ना, अपने कक्ष जहाँ बना हुआ रहता है, अथवा तो जहाँ रहते हैं वही उनका कक्ष, और क्या, अथवा कोई गुफा में चला जाएगा, स्वभ्रम गुफा की ओर जो है, उपद्रवंते वो भाग जाते हैं दौड़ कर के। उपद्रव भाजिन ही है तस्य सामना, ये आदित्य का जो शाम कौन सा, उपद्रव, उपद्रव रूप कौन हो गया, आदित्य का रूप कौन सा, अपराह्न के बाद और अस्तम से पहले उसकी दृष्टि की जा रही है ना, एक मान करके, इसलिए उपद्रव स्वरूप हो गया आदित्य का रूप, उसी में सब आश्रित होते हैं, उसके भागी होते हैं, कौन, पशु, अरण्य पशु, अरण्य पशु। और ये कुत्ता क्या है, कुत्ता अरण्य पशु है कि ग्रामीण पशु, क्या ग्रामीण पशु, कुत्ते को क्या बोलें, कुत्ते को पशु बोलेंगे, क्या कहें, पशु कहा जाएगा, कुत्ता पशु है क्या, विचार कर लो, कुत्ता क्या है, कुत्ता को है, आजकल तो बांधते, आजकल तो सोने के शयन कक्ष में रखते हैं, वो बात अलग चाहिए, लेकिन विचार की दृष्टि से कुत्ता क्या है, हैं, पशु है। तो ऐसे तो ग्रामीण पशु, ग्रामीण भी होगा, अरण्य भी होगा, अरण्य में भी पशु, ये कुत्ता रहता है, गांव में भी रहता है, घर में नहीं रहता है ना, तो गृह पशु नहीं है, गृह पशु कौन होगा, गृह पशु हो जाएगा गौ, गृह पशु गौ हो जाएगा, औजा है, बकरी है, ये भले ही हो, लेकिन कुत्ता घर का पशु नहीं हो, है ना। अच्छा आगे देखो भाष्य है, ठीक है, थोड़ी से तत्कालीन आदित्य दृष्ट्या उपद्रवम उपासित, यही तात्पर्य हो गया, है ना, वो जो आदित्य का रूप कह दिया ना, अपराह्न के बाद सूर्यास्त से पहले आदित्य, उसकी दृष्टि करनी है उपद्रवम, उपद्रव में उपद्रवम उपासित, ये विधि वाक्य हो गया। और तस्य तदा वो आदित्य जो है तदा अस्ताचलम प्रति उपद्रवणा, अस्ताचल की ओर जाते हैं ना उस समय, अथ इसलिए उपद्रव हो गया ना, सूर्य भी उपद्रव हो गया और वो शाम का भाग भी क्या होगा, उपद्रव हो गया, है ना, इसलिए अस्ताचल की ओर जाते हैं कौन, आदित्य, इसलिए उपद्रव तिथि उपद्रव हो गया, कौन, द्रुंगत होता है, द्रुंगत धातु होता है ना, जो जाता है किसी गंतव्य स्थल पर वो होता है उपद्रव, उपद्रव। और शाम का भाग भी क्या होगा, उपद्रव,
फिर उप है ही, दोनों में समान आता। अथा यद ऊर्धम अपरन्नात प्रागस्तम याद स उपद्रव तदस्य अरण्य पशव अन्नायत्त। आरण्यम पशुनाम, देखो पशु का विशेषण हो गया क्या, आरण्य पशु हो गया, इसका मतलब ग्रामीण पशु भी होता है ना, अरण्य पशु भी है ग्रामीण पशु, तब तो विशेषण होगा। पशु केवल अरण्य में रहे तो अरण्य विशेषण बनेगा, पहले बताया था विशेषण कब होता है, जहां पर संभव हो, जहां पर व्यभिचार होता है। संभव व्यभिचाराभ्याम स्याद विशेषणम अर्थवत, है ना। हाँ आगे क्या लेगा, न शीते न च उष्णेन बन्ही क्वापि विशेष्यते, पहले बताया था मेरे ख्याल से, नहीं बताया, नहीं बताया, नहीं बताया तो अच्छा है लिख लो फिर, बताया है देखो, एक तो कम से कम बोल रहे हैं, है हाँ बराबर, मुझे याद है कि मैं बताया, मैंने सोचा कि मुझे भ्रांति हो रही है, मतलब मुझे भ्रांति नहीं है, मतलब लिखवाया है, है तो फिर भी लिखते हैं, याद करना चाहिए ना नारायण, पुरुषार्थ करो और याद करो, है ना। श्लोक क्या हो गया, संभव व्यभिचाराभ्याम स्याद विशेषणम अर्थवत, ठीक है, ये पूर्वार्ध हो गया, संभव व्यभिचाराभ्याम स्याद विशेषणम अर्थवत, पूर्वार्ध है, बहुत उपयोगी श्लोक है ये, इसलिए बार बार बोलता हूँ। उत्तरार्ध है, उत्तरार्ध लिखो, न सीते न सीते न अलग पद है, सीते न अलग पद है, सीते न तृतीयांत, न सीते न चोषणे न चोषणे न चोषणे न, ठीक है नारायण। बन्ही क्वापि विशिष्यते, बन्ही क्वापि विशिष्यते, हो गया नारायण, हो गया। हाँ अब जो है याद करना, और नहीं लिख पाएंगे, इसको याद करो, कल कितने लोग सुनाएंगे देखते हैं, सबसे नहीं कह रहा हूँ, जो लोग कर सकते हैं उनको तो है अपेक्षा रखते हैं कि याद करें भाई। तो जहां पर संभव होता हो, जहां पर व्यभिचार होता हो, वहां पर क्या होता है, विशेषण होता है, स्याद विशेषणम अर्थवत, विशेषण अर्थवत मतलब क्या है, प्रयोजन वाला होता है, नहीं इसमें दृष्टांत दिया, देखो व्यतिरिक्त दृष्टांत होगा, न सीते न चौष्ण, ये व्यतिरिक्त दृष्टांत हो गया, ऐसे बन्नी हो गया, बन्नी का विशेषण शीत बनेगा कि उष्ण बनेगा, क्या बनेगा, हाजी उष्ण बनेगा, नहीं बनेगा, है ना, शीत भी नहीं बनेगा, उष्ण भी नहीं बनेगा, है ना, सिद्धांत हो गया ना, शीत नहीं बनेगा बन्नी का, क्योंकि इसमें संभव नहीं है, संभव न होने से बन्नी का विशेषण क्या नहीं बनेगा, शीत नहीं बनता है, समझ में आया। अब बोलेंगे उष्ण बोलेंगे, प्राय करके उष्ण बोलते हैं, बन्नी का विशेषण उष्ण भी नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, उसका व्यभिचार नहीं होता है, उष्ण कहीं रहेगा अग्नि के अलावा नहीं रहेगा, बोलेंगे जल में रहेगा, जल को गर्म करते हो तो तार्किक लोग क्या बोलते हैं, अरे भाई वहां पर समवाय संबंध से थोड़ी रहता है, नहीं तार्किक लोग बोलते हैं ना, समवाय संबंध से उष्ण कहाँ रहता है, केवल अग्नि में रहता है, अन्यत्र नहीं रहता है, वो कहते हैं स्वसमवाय संयुक्त तत्व संबंध, नया लोग है ना,
संबंध को लंबा करने में एक्सपर्ट है कौन? तार्किक लोग। स्वसमवायी संयुक्तत्व संबंध से जल उष्ण जल में रहेगा। स हो गया उष्ण, उसका समवायी हो गया अग्नि, और अग्नि में संयुक्त कण हो गया जल, तो क्या हो जाएगा? स्वसमवायी संयुक्तत्व संबंध से, समवाय संबंध से नहीं होगा। मतलब इतना नहीं समझते, साक्षात संबंध ले लो, ये समवाय चक्र में ना पड़ो, है ना। साक्षात संबंध से उष्ण कहाँ रहेगा? अग्नि में रहेगा, और परंपरा संबंध से वो जल में भी रहेगा, वो पृथ्वी में भी रहेगा, वायु में भी रहेगा, है कि नहीं? ऐसा होता है। चलो हाँ, इसलिए क्या हुआ, तो बनने का ना शीत बनेगा ना उष्ण बनेगा। तो कहाँ पर होता है विशेषण? फिर जहाँ पर संभव हो जाए, जहाँ पर क्या व्यभिचार होता हो। जैसे कह दिया मैंने, कहा कि पुष्प माना, वस्त्र माना या हाँ, महात्मा का दृष्टांत वस्त्र माना या कह दिया, वस्त्र लाओ तो पूछेगा ना कौन सा वस्त्र लाना है, हाँ सफेद लाना है कि लाल लाना है, लेकिन पूछना पड़ता है ना फिर, हाँ तो बोलते रक्तम वस्त्रम, रक्तम वस्त्र, रक्त संभव है कि नहीं संभव है। और व्यभिचार भी होता है, केवल वस्त्र में रक्त है कि अन्यत्र भी है, अन्यत्र भी है। चलो इसलिए कह दिया यहाँ पर, क्या कह दिया कि जो है आरण्य पशु कह दिया ना, तो आरण्य क्या, आरण्य हो गया विशेषण, किसका हो गया विशेषण? पशु का, क्योंकि ग्रामीण पशु भी होते हैं कि नहीं, ग्रामीण पशु भी होते हैं, है ना। हाँ ऐसा कह, इसलिए संभव है और व्यभिचार भी है। क्योंकि तो अरण्य में तो और सारे बहुत रहते हैं, केवल पशु रहते हैं ऐसी बात नहीं, वृक्ष आदि भी रहते हैं। टीका ले लो, अरण्यानां पशूनां यथोक्त रूप उपजीवनम उपपादयति तस्मात्, भाष्य ले लीजिए, तस्मात् ते पुरुषम दृष्ट्वा, वो जो अरण्य में रहने वाले पशु, हाँ वो देख करके, पुरुष को देख करके भीताहा, वो डर जाते हैं, डरेंगे तब ना भागेंगे, और नहीं डरेंगे तो नहीं भागते। वो पशु लोग बहुत बुद्धिमान है, भले ही न्याय नहीं पड़ते लेकिन चेहरे को देख करके अनुमान कर लेते वो लोग पशु, हाँ ये हिंसा करने वाला नहीं है, अनुमान से वो जान लेते हैं वो लोग। हाँ कोई के पागल होगा तो अलग बात है, पागल कुत्ता भी काट लेता है, बंदर भी काट लेता है, भ्रांति तो किसी की भी हो सकती है, प्राय करके अनुमान करने में कुशल है वो लोग पशु ले। ऐसा है, यदि देख लिया कि इसमें जो है भय की आशंका है, तो फिर जो है अपने कक्ष की ओर, अरण्यम सभ्रम, सभ्र का अर्थ है बता गुफा, गुफा को बोलते हैं सभ्र, गुफा की ओर जो है चले जाते हैं। वहां पर जाएंगे तो क्या होगा? भय शून्यम, भय शून्यम इति उपद्रवंती, उपद्रवंती उधर जो भाग जाते हैं, उपद्रवंती का अर्थ उपगच्छंती, है ना। दृष्ट्वा उपद्रवणान, देखो उपद्रवण हो गया ना, उपद्रव भाजिनो ही एतस्य सामना, है ना। उपद्रव हो गया आदित्य का रूप, उसमें ये भागी है, आश्रित है कौन? ये पशु है, पशु एतस्य सामना। आगे सभ्रम का अर्थ दे दिया टीका में, सभ्रम गर्तम गुहा इति यावत, ये सब परिचय हो गया, सभ्रम गर्तम गुहा, आ समानांतर है किसमें? समानता हो गई ना, उपसादृश्य हो गया, है ना, उपसादृश्य हो गया। उपद्रव, उपद्रव में भी उप है, उपद्रव में भी क्या है? उपद्रव है, और उपद्रवण में भी क्या हो गया? उप हो गया, समझ में ना। ऐसा क्योंकि उस काल में आदित्य भगवान किधर जाते हैं? अस्ताचल कर जाते हैं, तो आदित्य क्या हो गया? उपद्रवण हो गया, समझ में ना। हाँ, इसलिए उपद्रवण भी उप हो गया,
और उपद्रव भी क्या उप है यो, ये सब ले लीजिए। ध्रुंग गतु है, गति है ना, गति अर्थ में होता है। अंतिम देखो निधन का, निधन अतः यत् प्रथमास्तमिते तर निधनम तदस्य पितरो अन्वयतास तस्मात् तान् निदधति निधना भाजिनो हेतस्य सामना एवं खलु आदित्यं सप्तविधं सामो उपास्ते। इसके अनंतर उपद्रव में उपासना हुई, उसके बाद निधन में देखो प्रथमास्तमिते यद रूपम, मतलब सूर्यास्त में है, सूर्यास्त, सूर्यास्त से पहले ऐसा क्या है कि सूर्यास्त लिया, हाँ प्रथमास्तमिते वही है क्या, तो उसमें जो है प्रथमास्तमिते का अर्थ सूर्यास्त ही है। तो सूर्यास्त में जो है रूप थोड़ा थोड़ा लाल दिखता ही है, वही रूप लेना यहाँ पर। तो वो कौन है, वो तन्निधनम, निधन में जो है ना दृष्टि करनी है। ऐसा है, पूरा अंधेरा नहीं, उससे पहले थोड़ा जो लाल दिखता है ऐसा है। तो तदस्य पितरो, और उसमें आश्रित कौन है, पितर लोग है, पितर है, पितर लोग जो है आश्रित होते हैं। तस्मात् तान निदधति है ना, स्थापित, और उस समय क्या होता है कि जो पितर लोग जो है ना उनको स्थापित करते हैं। तान का अर्थ पितृन है, निदधति मतलब स्थापयन्ति, हाँ और पितृपक्ष आ रहा है ना, चालू हो गया पितृपक्ष है ना। निधना भाजन हुई ऐसे सामना, ये निधन स्वरूप हो गया ना आदित्य का, इसमें पितृलोक जो है स्थापित होते हैं, ये आश्रित होते हैं। एवं खलु आदित्यम सप्तविधम, देखो आदित्य तो एक ही है, उसका अवयव को लेकर भाग किया, रूपों को लेकर के, और उनकी दृष्टि कहाँ पर किया, ये सात प्रकार सामने कर दिया। इसकी जो उपासना करेगा तो उसका आदित्य की प्राप्ति, यही फल मिलेगा उनको। भाष्य देखो ना, अत यत् प्रथमास्तमिते अदर्शनम, उसमें क्या है आदित्य भगवान तो अदर्शन के अदर्शन हो जाते हैं, है ना। जिकिमिषति, वहां पर कौन जाते हैं अस्ताचल की ओर, आदित्य भगवान जाते हैं, जो जाना चाहते हैं आदित्य भगवान। सावि सवितरी, सप्तमी देखो सवितरी, तो उसमें जो रूप होता है आदित्य के, तन निधनम, तत्कहने से सवित्री का जो रूप है वो निधन है, उसके दृष्टि निधन में करनी है। तदस्य पितरो अन्वयत्ता, उसी रूप में जो पितृ लोग जो है आश्रित होते हैं। तस्मात, इसलिए जो है तान निदधति, उस पितरों को स्थापित करते हैं लोग, ये कह रहे। देखो कहाँ पर करते हैं, पितृ पितामह प्रपितामह रूपेण, पिता है पितामह है उसके फिर जो है पिता है ना, प्रपितामह कहा जाएगा। ऐसे पितरों को दर्भेशु, ऐसे दर्भ देते ना मुष्ट, ऐसे पिंड बनाते हैं उसको कहते हैं दर्भ, उसमें स्थापित करते हैं। निक्षिपन्ति तान, किसको, पितरों को है ना, अथवा तदर्थम पिंडानवा स्थापयन्ते, कुछ पितरों को उद्देश्य करके पितरों के लिए क्या करते हैं, पिंडान स्थापयन्ते, पिंड देते हैं। थोड़ी टीका ले लो, तस्सवित्री रूपमिति शेष है, वो तस् से यहाँ पर लेना चाहिए तत् सवित्री रूपम, तो कहा ना देखो तन निधनम, वो तस् से यहाँ पर ले लीजिए सवित्री रूपम, सवित्य का रूप है,
उसके दृष्टिकोण या निधन में। तदृष्ट्या निधन उपासना, उसके दृष्टि से निधन में उपासना करनी है, इसमें क्या हेतु है? बोले समाप्ति है ना, अंतिम भाग कौन है? अंतिम भाग हो गया कौन? निधन। और आदित्य का रूप वो भी समाप्ति है उस टाइम पर, है ना, इसलिए समाप्ति, समाप्ति सामान्यम, यही समाप्ति सामान्य हो जाएगा। जथोक्त आदित्य रूपम पितृभिर उपजीव्यम, वो आदित्य का जो रूप है ना, वो आश्रय है पितरों को लेकर के आश्रय है वो। इत्यत्र गमकम, इसमें ज्ञापक ही है, ज्ञापक कुछ नहीं है, परंपरा है, शास्त्रीय परंपरा है। आजकल सब जो है परंपरा, अरे कभी भी पिंडदान कर दो और क्या चलता है, हाँ चाहे जोगम पवित्र हो या ना हो, ऐसे चलता है। तस्मा तान निधति, ये भाष्य में था इसलिए। तत्र थोड़ा सा ले लीजिए भाष्य में, निधन संबंधा, देखो निधन का संबंध हो गया ना, तो ये भी निधन है अंतिम, शाम का अवयव, आदित्य का रूप भी निधन है, समाप्ति की ओर है, यही संबंध हो गया दोनों में। निधना भाजनो ही एतस्य सामनः पितरः, वो जो निधन रूप है इसी में ही जो है पितर लोगों क्या है, आश्रित है, भागी है। तत्र तत्र अथ शब्दस्य तद उपासना अनंतर्यार्थो व्याख्या, देखो सर्वत्र अथ अथ है कि नहीं, सभी मंत्र में क्या आया, अथ अथ आया, अथ का अर्थ क्या लेना है, अनंतर, अनंतर लेना है ना, यहाँ पर इस मंत्र में ऐसा नहीं कहीं भी अथ आएगा तो अनंतर, ऐसा अर्थ नहीं यहाँ पर। यहाँ पर जो अथ शब्द आया, ये सर्वत्र यहाँ जो है अथ शब्द का अर्थ अनंतर है, मतलब इस उपासना का विचार करने के बाद, एक एक शाम के अवयव की उपासना करने के बाद, निरूपण करने के बाद फिर अगली उपासना है, इस प्रकार से। एवं खलु इत्यादि वाक्यम अपेक्षितम, एवं खलु जो आया ना मंत्र में, देखो अंतिम आया एवं खलु अमुम आदित्यम सप्तविधम साम उपासते, ये जो वाक्य है ये अलग वाक्य हो गया है ना, ये अलग वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए जो अपेक्षित पद है उसको पूरा करते हैं, पूरयन सत्यंत वाक्य को पूरा करते हुए भगवान भाष्यकार व्याख्यान करते हैं। एवं भाष्य में देखो, एवं अवयवशः सप्तधा विभक्तम खलु, ऐ देखो एवं का अर्थ ये हो गया, अवयव को लेकर के सात प्रकार विभाग कर दिया आदित्य के रूप को, है ना, आदित्यम सप्तविधम साम उपास्ते, आदित्य के अवयव को लेकर के रूप का अलग अलग कर दिया, सात विभाग कर दिया, तत्त दृष्टि से शास्त्र प्रमाण से अलग अलग शाम के अवयव में उपासना का विधान किया। ऐसी उपासना जो करता है उपास्ते, तो क्या फल होगा? फल तो कहा नहीं मंत्र में, तो भाष्यकार लिखते हैं देखो, उपास्ते यस, जो उपासना करता है तस्य उपासकस्य फलम, क्या फल है? तदापत्ति, तस्य आपत्ति तदापत्ति, तदमल आदित्य, आदित्य लोक की प्राप्ति उनको हो जाएगी, यही फल है। इति वाक्य शेषः, यही जो है अंतिम वाक्य जो मंत्र है इसका शेष अर्थ हुआ, शेष वाक्य हुआ ऐसा। ये सब सकाम बुद्धि के लिए है, निष्काम के लिए सब नहीं है। निष्काम का फल क्या है? चित्त की शुद्धि, आत्मज्ञान की योग्यता, ऐसा जितने भी कर्म होते हैं, जितने भी उपासना होते हैं, ये सब परंपरा से आत्मज्ञान उत्पत्ति जनक, इसको कहते हैं उत्पत्तो जनक, हाँ उत्पत्तो हेतु, ये होता है उत्पत्तो हेतु, एक होता है सहकारी हेतु, समझ में ना, एक होता है उत्पत्तो हेतु और एक होता है सहकारी हेतु। तो कर्म उपासना अष्टांग योग ये सब जितने भी है,
ये सब होते हैं आत्मज्ञान की उत्पत्ति के लिए जनक, सहकारी नहीं। आत्मज्ञान की उत्पत्ति हो गई तो फिर उसके बाद कर्म उपासना होता हो ऐसा नहीं, इसलिए उत्पत्ति के लिए जनक होते चित्त को शुद्ध करते हुए। ऐसा ब्रह्म सूत्र में विचार आता है, सर्वापेक्षा च यज्ञादि सुतेर अश्वत्। तो ये नवम खंड पूरा होता है, उसके बाद है दसम खंड। है दसम खंड बड़ा विलक्षण है। तो कहते हैं कि जो है देखो, अभी मोक्ष को चाहने वाले तो बहुत कम होते हैं। हाँ, इसलिए मनुषाणाम सहस्रेषु का, सहस्र मतलब कितना, सहस्र मतलब कितना हो गया, 1000। इसका मतलब 1000 में एक मुमुक्षु होना चाहिए, तो गिन लो फिर। सहस्र मतलब अनेक ऐसे, उसकी कोई संख्या नहीं है। कोई 100 में भी एक हो सकता है, कोई लाखों में भी एक नहीं हो सकता है। सहस्र नाम करते क्या, अनेक ऐसे, सहस्र है, शत है, लक्ष्य है, ये सब अनेक अर्थ में भी हो जाता है। मनुष्याणाम सहस्र मतलब क्या, अनेक ऐसे। कोई कोई जो है मोक्ष चाहता है, सब लोग कहाँ मोक्ष चाहते हैं। अरे महात्मा बन गया उनके भी गारंटी नहीं है। महात्मा के बन गया, मैं कपड़े की बात कह रहा हूँ, महात्मा के महात्मा ही बन गया और वो भी मोक्ष चाहता हो, गारंटी नहीं है। बाकी लोग की बात छोड़ दीजिए, यानी कोई जो है, कोई कोई जो है मोक्ष बनता है। अरे चित्त शुद्ध नहीं है, हैं तो संसार का विचार क्या करेगा वो, क्या नित्य है क्या अनित्य है। नित्यानित्य वस्तु विवेक को बोलना अलग चीज है, हाँ, लेकिन बुद्धि में संसार के प्रति अनित्यत्व हो रही है वो अलग चीज है, बोलना समझाना अलग बात है ना। बुद्धि में यदि संसार के प्रति अनित्यत्व बुद्धि नहीं है तो वैराग्य कहाँ से होगा, वैराग्य नहीं होगा ना। हाँ, और जिसका वैराग्य नहीं है तो मोक्ष कहाँ चाहेगा वो, है कि नहीं। यही भगवान ने कहा कि नारद जाओ पूछ लो कितने लोग जो है मोक्ष चाहते हैं। भगवान ने कहा किससे, नारद जी से। बाकी लोग की बात छोड़ दीजिए, जाओ छिपकली से पूछो, जाओ छिपकली। तो नारद जी छिपकली पर जाकर बोले कि तो मोक्ष चाहिए, मोक्ष क्या होता है, अरे इसके बाद जो है जन्म नहीं होता है, कही मोक्ष और क्या, ऐसा समझे। बोले हमको मोक्ष नहीं चाहिए, हम यदि मुक्त हो जाएंगे तो हमारे बाल बच्चों को कौन देखेगा। अभी अभी हम अंडे दिए हैं, अभी मुक्त हो जाएंगे तो फिर ये इनको जो खान पान कौन दिलाएगा बताओ। तो है छिपकली के बाद ये है तो फिर इतना कष्ट उठाता है, और जो भोग में पड़ा है तो उनको उनको मोक्ष कहाँ से होगा। कहने का अभिप्राय यह है जो अत्यंत दुखी है वो यदि मोक्ष नहीं चाहता है और भोग में जो लगा है वो क्या मोक्ष चाहेगा, समझ में ना। इसलिए मोक्ष तो कोई की होता है, इसलिए मृत्यु का भय सबको है। मृत्यु का भय ना, हाँ, हमारी मृत्यु हो जाए ऐसे, हाँ, कौन चाहता है। मृत्यु से मैं पार हो जाऊँ ये चाहता है कि नहीं। हाँ, ये बोलते हैं देखो, क्योंकि शरीर में अध्यास है, संसार में सत्य दे बुद्धि है, शरीर में अध्यास है, इस संबंध को सत्य मान रहा है, इसलिए मृत्यु से छुटकारा पाना चाहता है ना, ये कह रहे यहाँ पर। इसको कहते हैं अतिमृत्यु। अभी जो उपासना बता रहे क्या, अतिमृत्यु, मोक्ष नहीं, मोक्ष नहीं कह रहा, मुझे ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाए, मुझे ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाए ये चाहता है। मोक्ष मुझे प्राप्त हो जाए ये नहीं चाह रहा है, ब्रह्मलोक चाहता हो, समझ में ना। ब्रह्मलोक जाएगा तो फिर ये बहुत दिन तक रहेगा वो, वहां पर आत्मज्ञान नहीं हुआ तो आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिनो अर्जुना, वहां पर आत्मज्ञान नहीं हुआ तो वहां से भी लुटेगा वो, समझ में ना, इसे कह रहा है। देखिए नारायण, तो मृत्युर आदित्य, ये भाष्यकार बोल रहे हैं, थोड़ी टीका ले लो। अथ खलु आत्मसम्मितम, हैं,
इत्यादि ये मंत्र है ना, अथ खलु आत्मसंमितम। इसके तात्पर्य को कह रहे हैं भाष्यकर पहले, मृत्यु हो आदित्य, भाई आदित्य मृत्यु है, आदित्य मृत्यु क्या है ये बताएंगे, क्योंकि द्वादश वही मासः, कितना मास है, 12 मास है। तो ऋतु तो 6 ऋतु है, लेकिन श्रुति बोलती है पंच ऋतवः, ऋतु कितना है तो 6, लेकिन मंत्र में आया पंच ऋतवः, मतलब हेमंत और शिष्य को एक मान करके 5 ऋतु हो गए महादेव। अत्रयो लोका, 3 लोक कौन है, भूर भुवस्व, 14 लोक को 3 में अंतर्भुक्त कर दीजिए, कितना हो गया, भूर भुवस्व हो गया ना, हाँ कितना हुए, 12, 5, 17, 17, 3, 20 हो गया। और अशु आदित्य एक विंश, एक इसमा हो गया आदित्य, ऐसा मृत्यु ना है, ऐसा मृत्यु है, 12 महीना 5 ऋतु, ये 3 लोग सब मृत्यु के कुटी में आते हैं, जहाँ जाओ आपको मृत्यु ही मृत्यु है, मुक्ति होने वाले नहीं। काल है ना, काल, काल है कि नहीं, काल ही तो मृत्यु है कि नहीं। और सबको मापने वाला क्या है, काल को, आदित्य, आदित्य को लेकर तो काल होता है ना, और क्या है, 12 महीना 5 ऋतु अथवा 6 ऋतु, हाँ, इसको मापने वाला इसका हेतु कौन है, आदित्य, ये आदित्य को भी क्या कह दिया, मृत्यु कह दिया। अब उससे ऊपर हम प्राप्त होना चाहते हैं, कौन, ब्रह्मलोक ये बोलते हैं, है ना, इसलिए 22वां हो जाएगा वो, क्या हो जाएगा, 22वां, इसलिए आदित्य को कहते हैं मृत्यु, है ना, इससे भी परे हम होना चाहते हैं, ऐसा है। अरे इसका भाव से करेगा तो यहाँ पर आत्मज्ञान का अधिकारी बन जाएगा, नहीं तो फिर ब्रह्मलोक में ज्ञान हुआ तो वहीं पर मुक्त होगा। देखो, मृत्युर आदित्य, आदित्य हो गया मृत्यु, क्योंकि काल मृत्यु है, काल की गणना आदित्य के लिए होती है, है ना, आदित्य हो गया प्रोजक, है ना, प्रयुक्त हो गया काल, है ना, तो अहोरात्रादि काले ना, दिन रात्रि सब काल ही है, है ना, उपलक्षण ले लो, दिन रात 12 महीना 5 ऋतु ये सब ले लीजिए, और क्या, जितने भी है ज्योतिष में आया सब। जगत प्रमापैतृत्वाद, ये जगत को मापने वाला कौन है, आदित्य तो है, तस्य अतितरणाय, इसको तरने के लिए, तरने के लिए, है ना, मृत्यु से तरने के लिए, पार होने के लिए, इदम साम उपासनम, ये भी साम उपासना है, सप्तविदम साम उपासना है, उपासनम उपदेश्यते, ये उपासना का उपदेश के लिए विधान किया जा रहा है। देखो मंत्र, अथ खलो आत्मसंमितम्, अत मृत्यु सप्तविधम सामो उपासीत, हिंकार इति, हिंकार इति त्रक्षरम्, प्रस्तावयति त्रक्षरम्, तत्समम्। इसका हम लोग परसों करेंगे विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमात् पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकराचार्यं केशवं वाचारं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो ईश्वरो भुवानिति स्तुतिः व्योमवत्यात्रेयाय दक्षिणामूर्तये नमः।